बीते एक महीने में 10 नवजात बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7 बच्चे सिर्फ 5 से 10 दिन में कोरोना को हराकर घर पहुंच गए हैं। बाकी के 3 नवजात भी 2 से 3 दिनों में पूर्णतः ठीक होकर घर चले जाएंगे। करीब 22 कोच की ट्रेन भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी कर दी गई है। इसमें शुरुआती तौर पर 160 लोगों के आइसोलेट होने की व्यवस्था की गई है। इसे बढ़ाकर 292 मरीजों तक विस्तारित किए जाने की योजना है। विस्तार सारंग मंत्री ने लिया इसका जायजा। प्रदेश में सेना का पहला कोविड सेंटर तैयार। सेना के 300 जवानों ने 48 घंटे में बना दिया 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर। आज से आने लगेंगे मरीज, जिन्हें भोपाल CMHO रेफर करेंगे, उन्हें ही यहां भर्ती किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे 22 अप्रैल तक मंत्रालय आते रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की मीटिंग में वे नहीं हुए थे शामिल। फिलहाल होम आइसोलेशन में है और वही से काम काज संभाल रहे हैं। अब इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने बनेगी टास्क फोर्स। कहा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। श्री मिश्रा पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने BC के माध्यम से सभी जिले में COVID-19 की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ समीक्षा की। इस बैठक में सभी जिले से प्रभारी मंत्रीगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मंडला में फिर हुआ एक सड़क हादसा। अंजनिया के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक की इलाज के दौरान मौत हुई। भुआ बिछिया में CRPF के जवान कर रहे हैं सैनिटाइजेशन। अब तक इन जवानों ने पुलिस थाना कैंपस, स्वास्थ्य केंद्र परिसर, बस स्टैंड क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 14 सहित विभिन्न मंदिर परिसरों को भी सैनिटाइज किया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर नगर मुख्यालय के 2 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। गणेश इलेक्ट्रॉनिक दुकान एवं अग्रवाल हार्डवेयर पर की गई कार्यवाही। ADM एवं नायब तहसीलदार कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार 150 से 200 के बीच बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 186 कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन इस बीच यह भी खबर है कि 104 मरीज ठीक भी हुए हैं।